नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में 65,571 करोड़ का बजट पेश किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए बजट में हर सेक्टर और वर्ग पर फोकस किया जाएगा। वहीं प्रदेश में गौ सदनों की स्थापना के लिए बजट में विशेष तौर से ध्यान रखा गया है। साथ ही समाज के हर वर्ग से राय लेकर ही बजट बनाया गया है ताकि प्रदेश का विकास दुगनी गति से हो। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि धामी सरकार के इस बजट के कुछ मुख्य बिंदु क्या हैं। वार्षिक बजट 65,571.49 करोड़, स्थानीय फसल प्रोत्साहन 7.5 करोड़, बागवानी मिशन 17 करोड़, सीएम स्वरोजगार में 40 करोड़ का प्रावधान, दीनदयाल किसान कल्याण योजना 55 करोड़, अंत्योदय को 3 फ्री सिलेंडर 55.50 करोड़, अटल आयुष्मान 310 करोड़, पलायन रोकथाम योजना 25 करोड़, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम 44.78 करोड़, यूनिफॉर्म सिविल कोड को 5 करोड़, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय चंपावत परिसर के लिए 5 करोड़, मुक्त विश्वविद्यालय में आईटी एकेडमी को 5 करोड़, ओपन जिम के लिए 10 करोड़। अब आपको विस्तार से समझाते हैं। प्रदेश के विकास के लिए बजट में हर सेक्टर और वर्ग पर फोकस किया गया है। जैसे स्थानीय फसलों के प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 7.5 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया, वहीं बागवानी मिशन के लिए 17 करोड़ और सीएम स्वरोजगार में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 55 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया। अंत्योदय परिवारों को साल में 3 रसोई गैस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 55.50 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। अटल आयुष्मान योजना को 310 करोड़ की सौगात मिली। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 25 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया। सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 44.78 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। धामी सरकार ने बजट में शिक्षा सेक्टर पर भी फोकस किया, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को 5 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आईटी अकादमी और उत्कृष्टता केंद्र के संचालन के लिए 5-5 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है। मुक्त विश्वविद्यालय में आईटी अकादमी को 5 करोड़ और ओपन जिम के लिए 10 करोड़।